नमस्कार दोस्तों, यशस्वी एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सुजलॉन एनर्जी का शेयर का प्राइस एनालिसिस और टारगेट क्या हो सकता है। सुजलॉन एनर्जी के रिजल्ट्स के ऊपर हमने वीडियो बनाया था और आशा करता हूँ आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखा होगा तो यहाँ पे आपको आई बटन में लिंक दिखेगा, उसको जाके आप देख सकते हैं। तो हमने वो वीडियो में जैसा डिस्कस किया था, सुजलॉन एनर्जी का लॉस जो भी है लिमिटेड लॉस है, लेकिन कंपनी ने रेवेन्यू ज़बरदस्त राइज किया है। तो यहाँ पे सुजलॉन एनर्जी में जो डेवलपमेंट हो रहा है वो अच्छा डेवलपमेंट है। कंपनी डेप्थ कम कर रही है और स्टॉक एक पर्टिकुलर रेंज में काफ़ी दिनों से ट्रेड कर रहा था। अब उस रेंज को यहाँ पे गैप से ब्रेकआउट किया, आज का दिन देख सकते हैं आप। गैप से ब्रेकआउट करने के बाद आज के दिन ये जो क्लोजिंग दिया है 7.85 में 4.67% के अप के साथ ये क्लोज दिया है। और ये लगातार ये एक डिप आने के बाद यहाँ पे लगातार ये ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा था और ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ही बना हुआ है। यहाँ पे हमने पिछली बार ही आपके साथ डिस्कस किया था, उसी टाइम में ये वाली रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करके रखी थी और वो रेजिस्टेंस लाइन को अभी यहाँ पे सुजलॉन एनर्जी का शेयर ने ब्रेक किया है। अब इसका लॉन्गर टाइम फ्रेम में वीकली चार्ट में हम आपको दिखाएंगे यहाँ पे क्या सिचुएशन बन रहा है। पहले से ही हमने ये लाइन ड्रॉ करके रखी हुई है, लास्ट टाइम हमने चर्चा भी की थी इसके ऊपर। तो ये एक चैनल में ट्रेड कर रहा है और ये नीचे वाला सपोर्ट लाइन है और ऊपर वाला रेजिस्टेंस लाइन है। ये चैनल में मूवमेंट कर रहा है और यहाँ पे इस चैनल को रिस्पेक्ट करते हुए अभी यहाँ पे एक अच्छा बेस बन के ये ऊपर निकला है और काफ़ी अच्छा मूवमेंट यहाँ पे आ रहा है। वॉल्यूम भी बिल्डअप हो रहा है, एकुमलेट कर रहा है, यहाँ पे एकुमलेशन का साइन है। और ये स्टॉक यहाँ से इस लाइन को टच करने की पूरी प्रोबेबिलिटी दिख रही है दोस्तों। तो ये जो वीकली चार्ट को हम एनालाइज कर रहे हैं, ये 3 से 6 महीने का व्यू रख के हम बता रहे हैं। तो यहाँ पे स्टॉक में अभी भी 11 रुपये से 12 रुपये के आसपास के टारगेट देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। और उसके बाद आने वाले समय में जो कंपनी में स्ट्रक्चरल चेंजेस आएंगे, रिवेन्यू में जो राइज आ रहा है, रिवेन्यू राइज के साथ कंपनी डेप्थ को अपना कम कर रही है, तो उस प्रोपोर्शनेट में कंपनी ने अगर अपना प्रॉफिट में आने की कोशिश की तो वो एक सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो इसके ऊपर रेगुलर हम अपडेट देते रहेंगे और ये सुजलॉन एनर्जी अगर उसको मैनेज कर पाई तो वापस से ये मल्टीपल स्टॉक बन सकता है और काफ़ी बड़े रिटर्न्स दे सकता है। पिछले एक साल में ये डबल से ज़्यादा ऑलरेडी हो चुका है, जो लो बनाया था वहाँ से इसने डबल से ज़्यादा ग्रोथ ऑलरेडी दे दी है दोस्तों। तो अब यहाँ पे हमने आपको मल्टीपल स्टॉक की खोज एक वीडियो बनाया था और वहाँ पर आप कैसे चूज करेंगे, वीकली चार्ट में 200 पीरियड मूविंग एवरेज को ऑब्जर्व करना है, उसके ऊपर कैंडल को क्लोज देना है और उसके हाई के ऊपर आपको बाय करना है, ये सब हमने बताया था। उस पूरा वीडियो को आप अगर नहीं देखा होगा तो ज़रूर देखिए, उस वीडियो को आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए बहुत बेनिफिट होगा दोस्तों। तो उस वीडियो को अगर नहीं देखा होगा तो ज़रूर देखिए, क्योंकि वो वीडियो में आपको इनसाइट दिया है दोस्तों काफ़ी सिंपल तरीके से कैसे आप मल्टीपल स्टॉक ढूंढ सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ मेरा ये छोटा सा पेशकश आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।